तभी तो मुझे पुराने कपड़े देती है पहनने के लिए। मेरी मम्मी का, उसकी मम्मी की शादी हुई थी। मम्मू मतलब मेरी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताएगी। कुछ भी हो रहा नहीं, मैंने पजामा पहनी है, मैंने पजामा पहनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे सब लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि जब धूप आती है ना तो मैं रील नहीं शूट करती हूँ धूप पे, मतलब तो छत पे। तो आज इतना प्यारा सा मौसम हो रहा है, तो महिमा का भी फ़ोन आया था कि आज वीडियो शूट करते हैं, रील बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं, और मैंने अभी मेरे बाल ऐसे से हो रहे हैं क्योंकि मैंने कल रात ऑयलिंग की थी, अभी मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो गाइस, अभी हम चलते हैं बड़ी ताई और छोटी ताई के पास, क्योंकि उनके पास साड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो एक एक साड़ी लेकर के आते हैं, एक महिमा के लिए और एक मैं अपने लिए, और फिर रील शूट करेंगे। तो चलो चलते हैं ताई लोगों के। हेलो गाइस, गाइस ये मेरी बड़ी ताई है और छोटी ताई है। तो एक साड़ी बड़ी ताई से और एक साड़ी छोटी ताई से लेकर के जा रहे हैं, और आज हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, यहां पे खजाना खोला है और उसने से मिली है ये वाली साड़ी, और ये साड़ी में आज हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ये हल्दी हल्दी लगा रे दीपिका की शादी में ना। हाँ, बस गया बाल के सो रहे। मैंने अभी हेयर वॉश करना है। ये है, हेलो गाइस, मिल गया है। मुझे ताई का ये वाला पिछोड़ा बहुत अच्छा लगता है, पिछोड़ा जो भी है। पिछोड़ा जो भी है, ताई वाला मैं पहनूंगी। तो गाइस, ताई लोगों को थोड़ा सा पटाना पड़ता है साड़ी लेने को। तो गाइस, हमें मिल गई है पिछौड़ी और साड़ी, और आज हम रील बनाएंगे। तो चलो चलते हैं घर पे, मम्मू भी आने वाली है, मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ उसके आने से पहले, फिर हम लोग रेडी होंगे और फिर वीडियोस बनाएंगे। हाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। चल ताई, ठीक है ठीक है। तो गाइस, ताई से मांग करके मैं साड़ियाँ तो लेकर के आ गई हूँ, मैं जल्दी से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। तब तक महिमा भी आ जाएगी, तो फिर मुझे टाइम लगेगा ना, तो मैं जल्दी से हेयर वॉश करके आती हूँ। किसमें? हाँ, वैसे से आ रही है ना थोड़ा। अब लोकल तो मत ही बोल रही, रोज वाटर यही होते हैं। अच्छा, तू टोनर बोल रही होगी, लोकल मत बोल मेरे प्रोडक्ट को। हाँ, तो वो टोनर होता है, ये रोज वाटर है बहन, कुछ भी बोल रही है। मैंने हेयर वॉश कर लिया है और महिमा भी आ गई है। हेलो गाइस, और ये यहाँ पे साड़ियाँ देख रही है, सब घुचुड़ मुचुड़ करके हमने ऐसे ही रखा हुआ है, अभी निकाल दिया था उससे। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं, बाहर मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, और इसीलिए आज मुझे इसने मुझे बोला कि आज रील शूट करते हैं, वरना ये तो बुलाने पे भी नहीं आती है, क्योंकि और मैं भी शूट नहीं करती अगर धूप वगैरह होती है तो, छत पे टैनिंग हो जाती है ना। इसलिए इतना मसल। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना कम क्यों बोल रही है, तो ये बहुत बोलती है। तो ये अभी व्लॉग बन रहा है ना, थोड़ा सा कैमरा शाय है, तो इसलिए नहीं बोल रही है, वरना इसके बराबर अभी देखना, कभी भी मैं दिखाऊंगी आपको ये पटर पटर का बोले। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कुछ तो बोल यार, लोग भी बोल रहे होंगे गूंगी और ये कितना बोल रही है। मैंने बोल लिया रे, बोलना। मैंने बोल लिया रे, हट तो तो ये ऐसे नहीं बोलती है। अब मैं दिखाऊंगी आप लोग को चुप चुप के। लिपस्टिक लगा लिया हमने। तो गाइस, इसमें ऐसा हो रहा था कि मुझे ताई का ब्लाउज लूज हो रहा था, तो मैंने अभी ये ब्लैक ब्लाउज पहना अपना, इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे पिछौड़ी वगैरह से, इसे सब हाइड कर देंगे। नीचे मम्मू भी रेडी हो गई है। नीचे नीचे ये तुमने कितना कुछ मंगा रखा है, तुमने वो भी ऑर्डर करा है ना। हर दूसरे दिन तीसरे दिन पार्सल आता है। मैंने बोला ये पिछौड़ी मैं पहनूंगी, तो मम्मी क्या बोल रही है? हर समय मुझे बुलाने
पुराने कपड़े देती है हर समय। कौन से पुराने कपड़े देती है? वो पुराना पिछोड़ा दे रही, वो ओल्ड फैशन को हो गया। उसकी मम्मी का, उसकी मम्मी की शादी हुई थी। अपना सोचती मुझसे ज्यादा हीरोइन लगी। तभी तो मुझे पुराने कपड़े देती है पहनने के लिए हर समय। और वो पुराने कपड़े कब दी? जब यूट्यूब में पैसा कमाने लगे थे ना, आधा पैसा मुझे दे देना क्योंकि तेरे साथ वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए। कौन सा पिछोड़ा पहनेगी फिर? ठीक है, तो गाइज इसके लिए अभी भाभी का पिछोड़ी मंगा दिया। अब इस मैडम की भी बहुत वो हो रहे हैं, बोल रही है कि मैं भी ऐसी पिछोड़े पहनूंगी, वो पत्ती बॉर्डर वाला है। क्यों मम्मू, तू ना मेरी एक अच्छी बात और एक बुरी बात बता। तो गाइज मम्मू मतलब मेरी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताएगी जो उसने नोटिस करी होगी कभी। तो चल पहले अच्छी आदत ही बता दे। अच्छा आदत है, इसको जब भी कॉल करो ये हेल्प करने के लिए हर समय तैयार रहती है। और दूसरी बात, गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाती है, इसका एक काम ना करो। ये मेरी बुरी आदत है तो गाइस, वो तो हर किसी को होता है ना। क्यों हाँ। होता है इसको ज्यादा है। अगर इससे कहो ना मैं वीडियो बनाने नहीं आती हूँ तो ये गुस्सा हो जाती है, मैं मुझसे बोलती नहीं है। ये करती भी ऐसी है, पता है, आज बोलेगी चल हाँ ठीक है कल मैं तेरे घर आऊंगी, और फिर आती नहीं है, इसलिए मैं गुस्सा हो जाती हूँ इससे। तो चल ठीक है, मतलब सामान समेट करके रख देना। मम्मी रख रही है एक एक करके सारा सामान रख रही है। रूम तो आज ऐसा हुआ पड़ा है कि पूछो मत, सुबह से ही कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। थोड़ा अभी भाभी ने सेट कर दिया, ऐसा मत देखो। थोड़ा अभी भाभी ने सही किया, फिर हम लोग लेकर के आए तो सारा सामान, और गुन्नू सबसे ज्यादा करती है। हम लोग यहाँ पे रेडी हो रहे थे तो वो सारा सामान चला दे रही थी, तो अभी थोड़ा ठीक कर देंगे, आने के बाद ठीक कर दूंगी। तो इसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर देना सभी लोग। ले आला भी, आला पहन ले। तू ही बहन बनी पहन ले। ओए तो क्या ना ले ना, पिछोड़ी नहीं पहनी है। कोई बात कोई बात नहीं, टाइट बांधना, अब गला घुट जाएगा, सांस लेने लग, छोड़ दो। बहुत तेज है, सही है, हाँ ठीक है। तो गाइस आज बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है, धूप भी नहीं आई है। धूप जब भी आती है मैं तो बनाती भी नहीं हूँ, तो आज आएगा मज़ा। और इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ट्विंकल ड्रीम नेम से ही है। और ये ब्लाउज मुझे इतना टाइट हो रहा है ना, ये मेरी दी की शादी के टाइम का है, बहुत ज़्यादा हाथों में बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। पर कोई बात नहीं, जल्दी से वीडियो शूट करते हैं। और वीडियो भी शूट मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि मेरी वीडियो कौन शूट करता है और कैसे शूट करते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं वीडियो शूट अपनी, पहले उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और आप लोग को बीच बीच में दिखाते भी हैं। तो गाइस अब हम रील शूट कर रहे हैं। कितने टेक ले लिए? फिलहाल गुंगी बोली। चल आ रहे कहाँ आ रहे, चलो इस साइड। तो ढाई हाथ धमेली में बनाते हैं। ऊपर को कर दो, ऊपर को कर दो। तो गाइज ये वाली रील दाएं हाथ धमेली हम दोनों की जो हमने बनाई है वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, तो इंस्टाग्राम पे देखना आप लोग कैसी बनी है। तो गाइज अभी धूप आ गई है और हमने दो ही रील बनाई है अभी इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं तो नहीं बना रही हूँ, अब बनाएगी मम्मू। महिमा की एक या दो रील शूट करेंगे कसम से यार, ये पेटीकोट में इतना मतलब पसीना हो रहा है। कुछ भी हो रहा है? नहीं, मैंने पजामा पहनी है। पर धूप आ गई है ना अभी, तो फिर पसीना हो रहा है, अच्छी अजीब हो रहा है। तो चलते हैं फिर इसके बाद नीचे, इसकी बना देते हैं। तो इसकी बना देती, कोमल बना देगी, कैमरे के पीछे है जो मोबाइलों में तो इसका पोपट हो गई।
साउंड लगा रही है, साउंड पता ही नहीं है क्या चल रहा है, और खड़ी हो गई है, बोल रही है मैं बनाती हूँ करके, और साउंड कुछ और ही बज रहा है, और ये कर सिंगर सिंगर खाना भी खा ले, डांस भी कर लूंगी, कैमरामैन को भी कर लूंगी, सिंगर भी तो ही बन गया। कैसी तेरी खमारी मम्मी देखने लगी है, चलो खाना खाने के टाइम भी हो गया। चलो 2 1 अरे चक्कर आ रहे हो मुझे मुझे कोई तो पकड़ लो। मेरी तो रील अच्छी बनी नहीं, इसने बहुत सारी रील बना ली है, फोटोज भी बहुत खींची इसने, सेंड कर देना मुझे शाम तक, ठीक है? हाँ बस यही, अब घर जा कर के यही लगाएगी, अरे मेरी फोटो भेज दे, मेरी वीडियो भेज दे, जब तक मैं बोलूंगी तब तक मैं 400 मैसेज करेगी। चलो बाय। तो गाइस हम नीचे चलते हैं, बना लिया हमने, मैंने तो 2 ही रील शूट करी है, इसी ने ही करी, और इसकी फोटोज वगैरह सब क्लिक हो गया है, क्योंकि धूप भी आ गई थी फिर मैंने नहीं बनाई। अब नीचे चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो गाइस हम लोग रील शूट करके आ गए इंस्टाग्राम के लिए, और ये महारानी यहाँ पे स्क्रबिंग कर रही है फेस में, और ये धूप में वीडियो बनाते हैं, कहती मैं काली हो जाऊँ, इसलिए मैंने बोला था ना बाथरूम में बहुत बोलेगी, तो और देख लो उसको, और ऐसा नहीं है ब्लॉग में भी बहुत बोली है ये।